बॉलीवुड में वैसे तो बहुत से कलाकार आए जिन्होंने अपनी दमदार अदाकारी के बल पर दर्शकों के दिल पर राज किया, लेकिन एक कलाकार ऐसा भी था जो न सिर्फ दर्शकों के दिल पर बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर एक राजकुमार की तरह छाया रहा, जिसने अपने सफेद पैंट, सफेद कोट और सफेद जूतों से बॉलीवुड को एक अलग ढंग के कपड़ों का स्टाइल दिया। वहीं उसकी डायलॉग डिलीवरी के कारण लोगों के मन पर उसकी छाप बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह राजकुमार की। आइए इस वीडियो में उनके 8 बेहतरीन डायलॉग्स को देखते हैं। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। ये डायलॉग था फिल्म तिरंगा से, जो आई थी 29 जनवरी 1993 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार और नाना पाटेकर। और वक्त भी हमारा होगा। ये डायलॉग था फिल्म सौदागर से, जो आई थी 9 अगस्त 1991 को। इस फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार ने दूसरी बार एक साथ काम किया। इससे पहले 1959 में आई फिल्म पैगाम में उन्होंने एक साथ काम किया था। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ये डायलॉग था फिल्म तिरंगा से, जिसे डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार और नाना पाटेकर। म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने और ये फिल्म रिलीज हुई थी 29 जनवरी 1993 को। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। ये डायलॉग था सुपरहिट फिल्म वक्त से, जिसको डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे बलराज साहनी, राजकुमार, साधना और सुनील दत्त। ये फिल्म रिलीज हुई थी 30 जुलाई 1965 को। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। ये डायलॉग था फिल्म पुलिस पब्लिक से, जो रिलीज हुई थी 11 मई 1990 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इस्माइल श्रॉफ ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, नसरुद्दीन शाह और राजकिरण। नहीं। ये डायलॉग था फिल्म बुलंदी से, जो रिलीज हुई थी 30 जनवरी 1981 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इस्माइल श्रॉफ ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे राजकुमार, आशा पारेख और डैनी। एक शेर याद आया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये सुपरहिट डायलॉग भी फिल्म बुलंदी से लिया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इस्माइल श्रॉफ ने और मुख्य कलाकार थे राजकुमार, आशा पारेख और डैनी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 30 जनवरी 1981 को। देखे, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। कसम खा चुके हैं तुम्हें 24 घंटे में खत्म करने की, सो करके रहेंगे। यह डायलॉग था फिल्म मरते दम तक का और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मेहुल कुमार ने, मुख्य कलाकार थे राजकुमार और गोविंदा और ये फिल्म रिलीज हुई थी 17 जुलाई 1987 को। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।